सपा नेता के बिगड़े बोल, सीजीआई के लिए अभद्र टिप्पणी, राम मंदिर पर फिर गरमाई राजनीति। आज करहल सीट पर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन से ज्यादा चर्चा राम गोपाल यादव के एक बयान की हो रही है। दरअसल ये बयान नहीं है, ये विवादित बयान है जिस पर हंगामा तो होना तय ही था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसला सुनाने से पहले अंत तक कुछ तय नहीं कर पाए थे, ऐसे में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सही फैसला लिया, भगवान ने उनकी मदद की। इस पर राम गोपाल ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब लेके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे डोंट टॉक दीज प्रॉब्लम्स नाउ, दे आपको दे आते कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो। अब तो अभी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सर रविवार की बात है। अरे छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। वही बहराइच की घटना पर उन्होंने कहा कि कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया है। आप सब ने देखा कि दंगा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। किसी के घर पर चढ़कर उसकी रेलिंग तोड़ो दो, उसका झंडा उतार के भगवा झंडा लहरा दो, तो जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन अब सीजीआई को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चारों तरफ उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में यूपी में राजनीति इस बयान के बाद कैसे बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।